नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मामला नारायणगंज के ग्राम पड़रिया का है, जब 6 तारीख दिन गुरुवार को देर रात 9 बजे आपस में एक ही मोहल्ले के दो गुटों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें बाद विवाद लड़ाई में बदल गई। मारपीट शुरू हो गई, जिसमें लाठी चाकू दोनों ओर से चलाए गए, जिसमें दो लोगों को चाकू लगे। विजय पिता गोवर्धन चक्रवर्ती उम्र 26 वर्ष व लखन पिता परमू चक्रवर्ती उम्र 27 वर्ष मारपीट में घायल हुए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगंज में ही भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि जिसमें पुरानी बातों को लेकर चक्रवर्ती मोहल्ले के बीच लड़ाई हुई और आपस में एक दूसरे को जान से मारने की नियत से चाकू डंडों व लाठी से मारपीट की गई, जिसमें चाकू से वार करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने मामला कायम किया है। आरोपी सौरभ चक्रवर्ती पिता सुमंत चक्रवर्ती उम्र 19 साल तथा दो अपराधी नाबालिग निवासी गण चक्रवर्ती मोहल्ला नारायणगंज को अभिरक्षा में लेकर घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त किया गया, जिन्हें 8/2/2020 को माननीय न्यायालय में निवास व किशोर न्यायालय बोध मंडला पेश किया गया। घटना को देखते हुए पुलिस पर सवालिया निशान भी खड़े करते हुए नजर आए, जिससे क्षेत्र में एक दहशत का माहौल भी फैल गया। कार्यवाही में निरीक्षक अमित कुमार भावरे, उप निरीक्षक राजकुमार मालवीय, सहायक उप निरीक्षक PD पटेल, रामकृष्ण बघेल, नारायण तराम, बुद्ध सिंह राजपूत, कैलाश उपाध्यक्ष अजय तिवारी, प्रदीप कुमार कुंजाम का योगदान रहा। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आरोपियों पर उचित कार्यवाही भी की गई, ताकि क्षेत्र में ऐसी घटना दोबारा ना हो, जिसमें एक को माननीय न्यायालय निवास एवं दो को किशोर न्यायालय बोध मंडला पेश किया गया। दिनांक 6/2020 की घटना है जी। अस्पताल से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति घायल हैं जी, अस्पताल लाया गया है। जिनकी सूचना पर हम लोग अस्पताल गए थे, वहां पर जाके जांच की तो पता पड़ा कि कुछ चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें लखन और विजय चोटिल हुए थे और विजय को चोट लगी थी चाकूबाजी से। उसमें लखन के स्टेटमेंट लेने के बाद जांच पश्चात हमने थाने पर 7 तारीख को धारा 294, 323, 324, 307 कुल 7 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा कायम किया था। इसी तारतम्य में हमने तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए जी 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 2 बाल अपचारी भी हैं जी और एक सौरभ चक्रवर्ती, इसमें जिसने चाकू मारा मुख्य अभियुक्त है, इसे भी हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। खबर समय जगत के लिए नारायणगंज से बेनीलाल सिंह रौरे की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।